हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 7 of Cups। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 5 of Swords एंड देन किंग ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड इज 8 of Pentacles। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और एप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें। जैसे कि हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 7 of Cups, तो आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स से बोल रहे थे कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, उन्होंने एक से एक खूबसूरत गर्ल को देखा है, बॉय को देखा है, वो कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, गर्ल या बॉय, तो वो उनके बारे में बात कर रहे थे। पर कभी भी मुझे उस इंसान के लिए वो अट्रैक्शन, वो फीलिंग्स, वो मैग्नेटिक पावर पुल महसूस नहीं हुआ जो इस पर्सन के लिए महसूस होता है। जब से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है, मेरी दुनिया ही बदल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और लवेबल पर्सन मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। अब मैं उसे खोना नहीं चाहता, बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मेरे पर्सन को मुझ पर बिलीव नहीं है। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं फ्लर्ट करता हूँ, मेरा फ्लर्टिंग नेचर है, और मैं उस पर को भाव नहीं देता और उससे उसको इग्नोर करता हूँ। उसको मुझसे हमेशा ही कंप्लेंट्स रहती हैं और वो उसी बात पर झगड़ा करता है मुझसे, वो चला जाता है, रूठ जाता है। मैंने कितनी बार उसको मनाया है पर वो मानता ही नहीं। अगर इतनी बार मनाने पर तो कोई खुदा को भी मना ले। ये भी बोल रहे थे कि मेरा पर्सन इतना हटी और ज़िद्दी है ना कि मैंने पहली बार ही देखा है ऐसा पार्टनर, क्या करूं, मेरा दिल उस पर आ गया है, मेरी जान भी उसके लिए कुर्बान है, क्या करूं, उससे इतना प्यार करता हूं कि उसके बिना रह ही नहीं पाता। और कहीं ना कहीं वो इस बात का ही फ़ायदा उठाता है और मुझे हर बार ही ब्लेम करके चला जाता है, झगड़ा करके चला जाता है। हमारे पास आया 5 of Swords, तो ये बताता है कार्ड की झगड़े को किसी ने चीटिंग की है किसी के साथ में और दिल तोड़ा गया है। यहाँ पर कार्ड है हमारा किंग ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स नाराज़ बैठे हैं और ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया है, वो इतनी नाराज़गी दिखा रहे हैं ना कि आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 8 of Pentacles। इस रिश्ते को सुधारने के बारे में वो उनसे बात कर रहे थे अपने फ्रेंड से कि तू ही बता कि मैं इस रिलेशनशिप को किस तरह से इम्प्रूव करूँ, किस तरह से उसको यकीन दिलाऊँ ताकि वो मेरे ऊपर यकीन करे, मुझ पर बिलीव करना स्टार्ट कर दे, ताकि हम दोनों आगे चल के एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। हमारा ये जो बॉन्ड है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपके पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में एडवाइस मांग रहे थे कि इस रिलेशनशिप में क्या किया जा सकता है, किस तरह से इस रिलेशनशिप को और अच्छा बनाया जा सकता है, इस रिलेशनशिप में जो भी कमियां हैं वो तुम मुझे बता, मैंने सारी बात तुझे बता दी है, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज शाम आपके पर्सन अपने फ्रेंड से यही सब बातें करते हुए नज़र आ रहे थे और वो आपके बारे में बहुत पैशनेट हैं।